फाइनली लेजेंड इज बैक, यानी कि पल्सर 220 फिर से इंडियन मार्केट पे रिलॉन्च हो रहा है बहुत ज्यादा अपडेट एंड चेंजेस के साथ। इंडिया में जितनी भी बजाज की शॉप है जहां पर लोग जाके भर भर के यही पूछ रहा है 220 हमें कब तक मिलेगा, क्योंकि उसको कोई दूसरा बाइक चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ 220 से मतलब है। देखो इंडियन मार्केट पे जो स्पोर्ट्स बाइक फर्स्ट था वो 220 था, एंड ये गेम चेंजर बाइक था, सभी को बहुत ज्यादा पसंद था, एंड 220 यानी कि एक इमोशन, एक ब्रांड से जुड़ा हुआ था। सो इसीलिए इसको 220 ने जब से डिसकंटिन्यू हुआ है लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका है, या इसकी जो डिसकंटिन्यू होने के बाद N250 F250 इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ, बहुत बेहतर बाइक है जिसका सेल बहुत ही अच्छा हो रहा है, बट 220 के जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। सो लोग इससे फिर से पाना चाहता है, इसीलिए बजाज ने यही सोचा 220 को फिर से इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा एंड कुछ अपडेट एंड चेंजेस के साथ, एंड इसकी जो पावर है BHP वो सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा, बट इसकी लुक सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, भले इसकी जो सस्पेंशन है, टायर साइज है एंड इंजन की जो कैपेबिलिटी था वो चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं चेंजेस एंड अपडेट के बारे में। सो इसकी जो लुक्स था वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, लुक्स में कोई भी डिफरेंट आपको नजर नहीं आएगा, बट सस्पेंशन इसकी जो है अलग हो जाएगा। फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पहले मिलता था, बट यहाँ पर फाइनली आपको गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन ऑफर किया जाएगा, जिससे बाइक और भी ज्यादा बल्की दिखेगा एंड आपको कंफर्ट भी महसूस होगा। बाइक की फ्रंट टायर भी चेंज होगा, 100x80 सेक्शन का फ्रंट टायर आएगा, मडगार्ड भी चेंज होगा, बहुत ही ज्यादा बल्की लुक टाइप का मडगार्ड आपको देखने को मिलेगा, 300mm की डिस्प्ले, ड्यूल चैनल ABS फ्रंट पर, ABS रियर पर, ABS आपको ऑफर किया जाएगा। बाइक की जो ब्रेक सिस्टम था वो और भी ज्यादा पहले से इंप्रूव कर दिया जाएगा, बट इसमें लुक्स की कोई भी चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन, टायर साइज ऐसा ही चेंज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। बात करते हैं रियर साइड की। सो रियर पर फाइनली इसकी जो टायर है वो चेंज हो चुका है, 130x76 का टायर होगा जो कि 230mm डिस्प्ले, एंड आपको रियर पर भी ABS की ऑप्शन फाइनली मिल सकता है। बात करते हैं बाइक की जितनी भी लाइटिंग सेटअप है उसके बारे में। सो फ्रंट पर आपको प्रोजेक्टर हिटलैम्प ऑफर किया जाएगा, जो N250 एंड F250 पर आता है वैसे ही कुछ प्रोजेक्टर हिटलैम्प एंड दोनों साइड आपको DRL नजर आ जाएगा। रियर पर आपको टेल लैम्प LED के साथ ऑफर किया जाएगा, जितनी भी इंडिकेटर होगा वो आपको LED के साथ ही दिया जाएगा। मीटर कंसोल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली गियर शिफ्ट, इंडिकेटर, साइड स्टैंड कटअप, सेंसर, टॉप स्पीड, माइलेज वगैरह, डे टाइम सब कुछ अब आप फाइनली नोटिस कर सकते हो। सबसे बढ़िया आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी फ़ोन को बाइक की साथ कनेक्ट कर सकते हो। बजाज के ऑफिशियली ऐप होगा जिससे अपनी फ़ोन को बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन बाइक के साथ शेयर कर सकते हो एंड बाइक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो फ़ोन के साथ शेयर कर सकते हो। एंड फाइनली बाइक पर आपको USB चार्जिंग स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि फ़ोन अगर ख़त्म हो जाता है चार्जिंग, सो आप अपनी बाइक के साथ कनेक्ट करके फ़ोन को चार्ज करा सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि अभी जो बाइक रिसेंटली लॉन्च हो रहा है जहाँ पर आपको USB चार्जिंग स्लॉट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आपको यहाँ पर पल्सर 220F की जो रिलॉन्च वर्जन होगा जहाँ पर आपको USB चार्जिंग स्लॉट का ऑप्शन दिख सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस के साथ पल्सर 220F को रिलॉन्च किया जाएगा। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।